आज हम भावुक फ़ोटो एडिटिंग करने वाले। जो आप फोटो देखेंगे तो आप भी बोलेंगे कि यार ये कैसा बन सकता है ऐसा फोटो। चलो उसके लिए आपको एक बैकग्राउंड से ये वाला इसको आपको लेके जाना है पिक्स ऐप में। पिक्स ऐप में लेके जाने के बाद आपको इंटरफेस दिखेगा। थोड़ा सा टाइम ले रहे हैं। ओके, इस तरह से इंटरफेस दिखेगा। इसको आपको थोड़ा सा ब्लर भी नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है। आपको इफेक्ट्स में जाती HDR का इफेक्ट देना है यहाँ पे। और HDR में आके जाके आपको थोड़ा सा इसका रिजोल्यूशन ब्लर बढ़ा देने का है। और ऐसे डन कर देंगे। ओके, डन करने के बाद दूसरा इमेज हमको लगेगा, वो भी आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, कोई बात नहीं, वहाँ से आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, उसके बाद आपको चाहिए और एक इमेज, तो मेरे पास है, मैं आपको दे दूँगा, कोई बात नहीं। तो ये है वो इमेज। इमेज आपको सेलेक्ट करने की, सेलेक्ट करने के बाद ऐसे लगाने की है कि जो थोड़ी से ऐसे बाहर निकले। ओके, यहाँ से फिक्स करने देने की और इसके रोटेशन क्या कर देने की, कम कर देने की है। और यहाँ से भी है डन कर देने का। उसके बाद सबसे बड़े बात आपके लाने का है आपको अपने जो है आर्टिस्ट बोले तो जिसका हमने फ़ोटो निकाला है वो हमको चाहिए। मैं एक ले लेता हूँ मेरा यहाँ से। ओके, तो क्रॉप कैसे करना है आपको, सिंपल साइज़ बढ़ा के कॉलर पे कर देने का और इसे जल्दी से कर लेने का है, धीरे से कर लेने का, जो कि आपका कोई भी किनारा ज़्यादा कट ना हो अच्छे से। तो मेरा हो रहा है क्रॉप। हो जाने के बाद पहले देख लेने का कि आपका जो है वो पूरा कट होगा या नहीं, इसको अच्छे से एडजस्ट कर देने का। ओके, और होने के बाद इस कर देंगे डन। डन करने के बाद आपको कुछ ऐसा इंटरफेस दिखेगा। तो आपको ये फ़ोटो ऐसा फिक्स करना है क्योंकि आपको भी लगे कि अरे यार ये बराबर होगा, थोड़ी सी साइज बढ़ा दो, कोई नहीं। ओके, तो यहाँ पे जाके आपको क्या करने का, इसे कट कर देने का है। जो आपका लगे कि नहीं यार ये कुछ काम का नहीं है, तो यहाँ से कट कर देने का, जो कि आपका फ़ोटो ऐसे लगे कि यार इस फ्रेम पे ये क्या किया जाए, फिक्स किया गया है। अच्छे से कट ले, कट कर लेने का, थोड़ा सा टाइम लेने का यहाँ पे। ओके, तो ये हो गया अपना डन। डन होने के बाद इसे डन करने का है। थोड़ा सा फास्ट में कर रहा हूँ। और डन करने के बाद अपना जो प्रोजेक्ट है इसे हम क्या करेंगे, सेव करेंगे। सेव करने के बाद आपको दूसरा एप्लीकेशन लगेगा जिसका नाम है स्नैपसीड। यस, आपको स्नैपसीड में जाना पड़ेगा। स्नैपसीड में जाके अपना जो फ़ोटो जो हमने अभी बनाया है, ओके, उसको हमको पहले क्या करना पड़ेगा, सेलेक्ट करना पड़ेगा कहाँ पे है फ़ोटो। ठीक है, मैं गैलरी में से चूज़ कर लेता हूँ। ओके, ये यहाँ पे अपना फ़ोटो आ गया। यहाँ पे आने के बाद आपको टूल्स पे जाने का, ट्यूनिंग में ब्राइटनेस थोड़ी सी ज़्यादा कर देने की, कॉन्ट्रास्ट। ओके, सैचुरेशन ज़्यादा कर देने का, एम्बिशन ज़्यादा कर देने की, हाइलाइट्स यहाँ पे, शैडो ऐसा ऐसे कर देने का। डन,
डन करने के बाद आपको फिर से व्यू एडिट्स में जाने का, यहाँ पे जो ब्रश ऑप्शन दिखेगा वहाँ पे जाने का, तो अपना इंटरफेस ऐसा दिखेगा। ऐसा दिखने के बाद यहाँ से हम क्या करेंगे, पेंट कर देंगे यहाँ से, जो कि अच्छा सा ग्लो मारेगा। ओके, तो कर देते हैं एडिट, जो कि हमारे बर्जिंग फायर जो फायर रही थी वैसा लगेगा। ओके, तो आप अच्छे से दिख रहा है, तेज़ी से कर देंगे डन। डन के बाद अब हमको आना है थोड़ा सा, जो हमारा फेस है वो ज़्यादा गोरा दिखना चाहिए, इसलिए आपको फिर से टूल्स में जाने का, सेलेक्टिव में जाने का, प्लस आइकॉन पर क्लिक करने का और यहाँ पे लगाने का अपने चेहरे पे। लगाने के बाद इसका ब्राइटनेस बढ़ाएंगे, फिर से और एक लेंगे यहाँ पे चिपका देंगे, इसका भी ब्राइटनेस बढ़ाएंगे, डन कर देंगे। ओके, फिर से एक बार जाएंगे, जब तक आपको आप ये एडजस्ट कर सकते हो जैसे आपको लगे वैसा, ऐसा नहीं कि चलो मैंने कुछ दिया है बोल के आपको वही करना है, ऐसे कुछ नहीं करके। ओके, तो ये होगा अपना चैनल और एक्सपोर्ट जाके यहाँ पे सेव कर देने का। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियोज़, थैंक यू।